हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में बात किया था, ठीक है, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था टोकन्स, है ना, कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स कितने होते हैं, और मैं आपको उसमें बताया था कीवर्ड के बारे में, है ना। हम लोग का जो है फर्स्ट आपको जो मैं टोकन बताया था, ठीक है, टोकन्स आपको बताया था कि टोकन्स जो है फर्स्ट होते हैं हमारे पास कीवर्ड, ओके। सेकेंड वर्ड होते हैं लिटरल्स। आप यहाँ पर जब मैं बता रहा हूँ आइडेंटिफायर, तो पहले आइडेंटिफायर लिख लो आप, आइडेंटिफायर, ओके। थर्ड होते हैं लिटरल्स, है ना, लिटरल्स। फोर्थ हमारे पास होते हैं सेपरेटर, ओके। और फिफ्थ जो होते हैं हमारे पास ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने बताया था, और मैंने जो पिछली वीडियो में कीवर्ड ख़त्म कर दी थी विथ प्रोग्राम्स, आपको मैंने जो है इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम बता दिया था, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम भी बोल सकते हो उसे। अब जो है सी प्लस का एक अच्छे से प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, एडिशन ऑफ टू नंबर का, ठीक है। तो इसका भी यूज़ करके हम लोग जैसे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको मैं जो है बताता हूँ। देखिए आइडेंटिफायर क्या होती है, आइडेंटिफायर आर द, जो मैंने पहले से लिख रखा है इसलिए लिख रखा ताकि, देखिए पिछली वीडियो जो है 19 मिनट का हो गई थी, इसलिए मैं जो है ये वीडियो जो है आपको मैं पहले से लिख कर रखता हूँ, ताकि आपको जो है बताने में आसानी हो जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू अ वेरिएबल क्लास आइडेंटिफायर, यानी आइडेंटिफायर वो होती हैं जो एक नेम हम असाइन करते हैं, या नेम हम एक चीज़ देते हैं वेरिएबल्स को, क्लास को या फंक्शंस को। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो देखिए, मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए, जैसे मैंने लिखा int a, है ना, मैंने लिखा int a इज इक्वल टू 5 लिख दिया। तो ये जो मैंने क्या लिखा, ये मेरा क्या है ना, कीवर्ड है हमारा, या उसे डेटा टाइप कह सकते हैं, डेटा टाइप भी होता है। अभी हम लोग जो है बात करेंगे आने वाले जो है लेक्चर्स में, बहुत अच्छे से मैं डिटेल में कवर करने वाला हर एक चीज़ों को। तो ये हमारा जो है आइडेंटिफायर है ना, आइडेंटिफायर है हमारा, ओके। और ये क्या हमारा वैल्यू, ओके। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। एंड आप कह सकते हो जैसे आप क्लास होता है, ये जो क्लास लिखा हुआ है आपका, है ना, ये क्लास आप सी प्लस प्लस में पढ़ोगे, ये एक ड्राइव डेटा टाइप होता है ना, ड्राइव डेटा टाइप है हमारा। और फंक्शंस, अब फंक्शंस को भी जब हम लोग जब करते हैं तो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं फंक्शंस में बताता हूँ, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं प्रोटोटाइप जब बनाते हैं, जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, अब अगर int, अगर जो है वैल्यू सेंड करने के लिए तो int, int देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं जो है टाइम कम है और लेक्चर्स में जो है कम का हो जाए, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो नहीं होते ना। जैसे देखिए फंक्शंस को भी जो हम लोग 4, यानी फंक्शंस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 टाइप से, ठीक है। जिससे फंक्शंस को 4 टाइप से इसलिए करते हैं, प्रोटोटाइप जो हमारी होती है वो 4 टाइप्स की बनती हैं, ठीक है, प्रोटो टाइप, ओके। तो देखिए पहला होती है विथ आर्गुमेंट, है ना, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, विथ रिटर्न टाइप, ओके, पहला हो गया। दूसरा होता है विथ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट विथ, थोड़ा सा मैं रूल्स को मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ये रूल्स लिखा हुआ था, ये देखिए रूल्स था हमारा, ठीक है, जो रूल्स में आइडेंटिफायर क्या था हमारा, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न, हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड था हमारे पास नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न, है ना, विथ रिटर्न टाइप, या रिटर्न टाइप भी ले सकते हो, सिर्फ टाइम लिख सकते हो, लेकिन रिटर्न टाइप है तो मैं टाइप लिख देता हूँ, ओके। फोर्थ हमारे पास है, यहाँ तो हो गया, फिर इसके बाद नो आर्गुमेंट, है ना, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये जो हमारा जो फंक्शंस हम लोग जो लिखते हैं, प्रोटोटाइप जो लिखते हैं, फंक्शंस का या प्रोटोटाइप को लिखने का जो है 4 तरीका हमारे पास है। तो इसके ऊपर जो है हम लोग मतलब डिफाइन करते हैं हम लोग हैं कि यहाँ पर क्या होंगे। इससे लिखिए यहाँ पहले विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, तो क्या होगा, int, ठीक है, ऐड नाम का बनाया मैंने फंक्शन, विथ आर्गुमेंट कह रहे हैं ना,
मैं यहाँ पे एंड ए डाल दिया, लीजिए हो गया। अब मैं बोल रहा है कि विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, ए रिटर्न टाइप मैंने एंड दिया, यहाँ पर मैं वॉइड कर दूंगा, वॉइड एड और इंट, ठीक है, क्योंकि मैं आर्गुमेंट लेना है और यहाँ पर मैं जो है आर्गुमेंट लेता हूँ, यहाँ पर मैं आर्गुमेंट लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे है नो आर्गुमेंट, है ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास नो आर्गुमेंट। जब हम नो आर्गुमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं void, सॉरी हम लोग आर्गुमेंट तो लास्ट में लेते हैं ना, ऐसे क्या है रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास है इंट, ठीक है, देखिए विथ रिटर्न टाइप कर इंट, यहाँ पर बोल रहा है ऐड नाम का मैं जो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐड बना दिया मैंने। अब जो है आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं आर्गुमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ, नहीं नो आर्गुमेंट है ना, तो यहाँ पर void ले लेता हूँ मैं, ओके void हो गया। और उसके बाद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, मैं void ले लूँगा, void एड void हो गया। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर भी तो हम लोग बताया ना फंक्शंस का, तो ये आपको जो है मैं क्लास भी बताऊँगा, ठीक है, ये क्लास में जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, जो ड्राइव हम लोग सी प्लस में ही पढ़ना है क्लास, और आपको वेरिएबल के बारे में जानते हो, वेरिएबल वो होते हैं जो स्टोर करते हैं डेटा को, स्टोर डेटा, ठीक है, स्टोर, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं आइडेंटिफायर, ओके। अब देखिए कुछ आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, देखिए आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स बहुत ही जानने इम्पोर्टेंट होता है आपको, ठीक है। देखिए ये हम अपने आप लिख देता हूँ यहाँ पे, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, है ना, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, ठीक है। पहला रूल्स क्या है, कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कीवर्ड के बारे में, आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कीवर्ड क्या होती है, रिवर्सर होती है, रिजर्व्ड वर्ड होती है, जो कंपाइलर ऑलरेडी जानता है उसको, है ना। तो जो है कीवर्ड क्या होती है कि उसको जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर की तरफ। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि आप इस तरह से नहीं लिख सकते इंट फ्लोट इज इक्वल टू 9, हाँ ये आप लिख सकते हो इंट ए इज इक्वल टू 9, है ना, ये लिख सकते हो, बट क्यों क्या मैंने बोला कि कीवर्ड को जो है एज आइडेंटिफायर आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप जो है ये हमारा आइडेंटिफायर है और ये हमारा कीवर्ड है, है ना, ये हमारा कीवर्ड है, तो आप कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। पहला रूल्स हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, बस में यानी जो है आप जो फर्स्ट जो आपका जो नंबर होगा या फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब, ये है कि आपने क्या किया है इंट लिखा, है ना, आप ये नहीं दे सकते 9, ये आप नहीं दे सकते हो, क्या कह रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फाबेट, ठीक है, आप ये दे सकते हैं ये 9, ये वैलिड है। और अंडरस्कोर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और अंडरस्कोर जो है आप दे सकते हो, अंडरस्कोर से देखो तो मैं बताता हूँ, देखिए क्या करते हो, यहाँ पे आपने लिखा एंट ए 9, ये वैलिड है, ये चलेगा, बट ये नहीं चलेगा कि आप जो है इस तरह से जो है कर सकते हो, ठीक है, यानी आप जो इस तरह से नहीं कर सकते एंट ए सॉरी 9A, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हमारे पास, नो सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर इज परमिटेड, वही मैं बताया यहाँ पर अंडरस्कोर लिख दिया था, यानी यहाँ पर कोई सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो अंडरस्कोर को छोड़कर। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल ये है इंट आपने ले लिया, आप ऐसा नहीं कि आप जो यहाँ पर डॉलर का साइन है डॉलर का लेकर और आप ये लिख दोगे, नो बिल्कुल वैलिड है, इनवैलिड है, चलेगा ही नहीं। आपने क्या किया इंट लिखा, अब जो है एट द रेट लगा दिया, ये जो आपका वैलिड नहीं है, समझे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या,
नो स्पेस अलाउ बिटवीन नेम। आप जो है अपने क्या, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखिए इंट ए, अब क्या करते हो आप, ए नहीं कब यहाँ पर स्पेस लोगे और यहाँ पर फाइव लिखोगे, ये गलत है, ये गलत है। आप ये भी नहीं कर सकते होगे इंट और आप फाइव ए यहाँ पर लोगे तो ये तो पहले से ही गलत है। क्यों भाई? क्योंकि आपको मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट, सो नोट यूज न्यूमेरिक, है ना, नंबर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है एंट ए अगर आप नाइन लिखते हो या एंट ए टेन लिखते हो, ये दोनों के दोनों डिस्कार्डेड हैं, आप इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आइडेंटिफायर के बारे में। आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो है लिटरल्स, ठीक है, जब को बताया लिटरल्स और ऑपरेटर, मैं इसको जो है बताऊँगा आने वाली वीडियोस में। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आप जिसको जो नोट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।